चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। धुरत मकराल और दयालु तारामणि। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, अच्छी लगी है इसलिए आपको सुना रहा हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कौशलपुर राज्य में मकराल नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह बहुत ही धुरत चालाक व दुष्ट था। वह समय समय पर तंत्र विधा के द्वारा बुरी आत्माओं का आह्वान किया करता था। एक दिन निशाचर प्रेत कोई ऐसी माया रचो जिससे घबरा कर कौशलपुर राज्य के लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए और मैं उनसे मुंह मांगी दौलत बटोर सकूं। जो हुकुम मकराल तांत्रिक। अगले दिन से ही कौशलपुर राज्य में निशाचर प्रेत की प्रेत लीला शुरू हो गई। हा हा, मैं तुम्हें खाऊंगा भूत। निशाचर प्रेत ने लपक कर एक आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। बचाओ। उस दिन निशाचर प्रेत ने कौशलपुर राज्य के कई बेकसूर लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतारा। आहा, अब मेरी प्यास बुझी है। खुशी से उछलता कूदता वह तांत्रिक मकराल के पास पहुंचा। मेरे मालिक, मैं कौशलपुर के लोगों के दिलों में अपनी दहशत का प्रभाव जमा आया हूँ। अब मेरे उत्पात से डरे सहमे लोग शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे। निशाचर प्रेत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम जाओ। मकराल का आदेश पाते ही निशाचर प्रेत लोबान के धुएं में विलीन हो गया उसके दृश्य होते ही। हा हा, अब कल ही कौशलपुर के भयभीत लोग दौड़े दौड़े मेरे पास आएंगे और मुझसे निशाचर प्रेत के अंतक से छुटकारा दिलाने के लिए कहेंगे। तब मैं उन भयभीत लोगों से मुंह मांगी रकमें वसूल करके अपनी जेबें भरूंगा। हा हा, मकराल के चेहरे पर ध्रुवता भरी मुस्कान छा गई। इधर उसी रात को कौशलपुर की एक सराय में मगनपुर राज्य का प्रसिद्ध तांत्रिक तारामणि आकर रुका। कौशलपुर के लोग कुछ भयभीत से नजर आ रहे हैं, सराय का मालिक भी मुझे कुछ डरा डरा सा लगा था। क्या कारण हो सकता है? मुझे अपनी तंत्र विधा के द्वारा यहाँ के लोगों के भयभीत होने का कारण पता लगाना चाहिए। यह सोच तांत्रिक तारामणि लोबान जला तंत्र पूजा करने में जुट गया। मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने के पश्चात जादुई गोले जल्दी से बता कि इस राज्य के निवासी डरे डरे और भयभीत से क्यों हैं। तारामणि के इतना कहते ही जादुई गोले में से विचित्र आवाज आने लगी, गरड़ गूं गरड़ गूं। तत्पश्चात घूमता हुआ जादुई गोला थम गया। जादुई गोले के थमते ही उसमें से गूंजती हुई आवाज आई, मेरे मालिक, इस राज्य में मकराल नाम का एक धुरत तांत्रिक रहता है। उसके आदेश पर निशाचर प्रेत ने आज इस राज्य में बहुत उत्पात मचाया है जिसके कारण ही इस नगर के लोग डरे डरे और भयभीत से हैं। और फिर जादुई गोले ने विस्तार पूर्वक तांत्रिक तारामणि को दुष्ट मकराल की घिनौनी योजना बताई। हो तो इस नगर के लोगों के डरने का यह कारण है। जादुई गोले, मैं उस ध्रुत तांत्रिक के घर का पता जानना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे उसके घर का पता बता। मालिक, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 200 कदम चलने के पश्चात ही तांत्रिक मकराल का घर है। उसके घर के बाहर 3 खोपड़ियाँ लटकी हुई है, यही उसके घर का पता है। तारामणि सराय से निकलकर उसी समय मकराल के घर की ओर चल दिया। शीघ्र ही वह मकराल के घर के बाहर जा पहुंचा। मकराल ने घर का दरवाजा तो तांत्रिक शक्ति से बंद किया हुआ है, इसे खोलने के लिए मुझे तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। तारामणि ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा, तत्पश्चात बंद द्वार पर अपना दायां हाथ रखा। अगले पल चर अब तब तारामणि मकराल के घर के अंदर चला गया। जैसे वह मकराल के सामने पहुंचा, कौन हो तुम? तांत्रिक शक्ति से बंद किया दरवाजा खोलकर तुम घर के अंदर कैसे आ गए? मकराल, जिस प्रकार तुम तांत्रिक हो उसी प्रकार मैं भी तांत्रिक हूँ। फर्क सिर्फ इतना कि तंत्र विधा का प्रयोग तुम बुरे कामों के लिए करते हो जबकि मैं तंत्र विधा का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। हो तो तुम तांत्रिक हो, तभी तुम तंत्र मंत्र द्वारा मेरे घर का दरवाजा खोलकर मेरे घर के अंदर आ गए। कहो, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? मकराल, तुमने आज इस नगर में निशाचर प्रेत के द्वारा जो प्रेत लीला करवाई है मैं उसी के बारे में तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम भला मुझे क्या समझाओगे? मकराल, निर्दोष लोगों की इस प्रकार हत्या करवाना बंद करके
अपनी तांत्रिक शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाओ, वरना वरना तुम क्या करोगे? मकराल, मैं तुमसे लड़ने नहीं अपितु तुम्हें समझाने आया हूं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें यह नरसंहार महंगा पड़े। तुम मुझे धमका रहे हो? तांत्रिक तारामणि, कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे साथ निशाचर प्रेत है, तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत घमंड है तुम्हें निशाचर प्रेत के ऊपर। क्यों न हो, निशाचर प्रेत है ही इस योग्य। यदि मैं उससे पाताल लोक में जाने को कहूं तो वह पाताल लोक चला जाए, और यदि मैं उससे आकाश में जाने को कहूं तो वह आकाश में चला जाए। मकराल, तुम्हारा यह घमंड मुझे तोड़ना ही होगा, कहकर तारामणि ने अपनी उंगली में पड़ी माणिक की अंगूठी निकाली और उसे माथे से लगाकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगा। यह तारामणि क्या कर रहा है? तत्पश्चात उसने वह अंगूठी जलते हुए लोबान के पात्र में फेंक दी। अगले ही पल, ले मकराल, अब अपनी आंखों से अपने निशाचर प्रेत की दुर्गति देख। तारामणि का यह कहते ही चट चट चटाका कराने की आवाज के साथ ही लोबान के धुएं में आग की लपटों से गिरा निशाचर प्रेत वहां प्रकट हुआ। निशाचर प्रेत, मेरे मालिक, मैं आग में जला जा रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। निशाचर को इस प्रकार आग में जलते देख मकराल को नहीं सूझा कि वह करे तो क्या करे। इधर आग के लपटों से गिरा निशाचर प्रेत बुरी तरह डकरा रहा था। हाँ मेरे मालिक, मुझे बचा, मेरे मालिक। तब निशाचर को बचाने के लिए मकराल ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा, लेकिन निशाचर के ऊपर उन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह क्या, मेरे मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ? निशाचर प्रेत पहले की तरह आग में जला जा रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ, तांत्रिक तारामणि तंत्र विधा में मुझसे भी ज्यादा पारंगत है। मकराल असहाय की तरह खड़ा देखता रह गया और निशाचर प्रेत शीघ्र ही आग की लपटों में जलकर राख हो गया। तब तारामणि ने मकराल से कहा, मकराल, देख लिया तूने अपने निशाचर प्रेत का असर? तुझे बहुत गुमान था ने उसके ऊपर। तांत्रिक तारामणि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की। तुम तो तांत्रिकों के तांत्रिक हो, मुझे क्षमा कर दो। मकराल, तूने इस राज्य के निवासियों को आज तक सताया ही है, अतः आज के बाद तू तंत्र विधा के द्वारा किसी और बेगुनाह को न सता सके। इसके लिए तुझे आज के बाद मेरे अधीन रहकर जीवन गुजारना होगा। बोल, मंजूर है या नहीं? यदि तुझे मेरी बात मंजूर नहीं होगी तो मैं तुझे भी निशाचर प्रेत की तरह जलाकर भस्म कर दूंगा। तारामणि का कथन सुनकर मकराल के छक्के छूट गए। वह हाथ जोड़कर उससे बोला, तांत्रिक तारामणि, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। तब ठीक है, तुझे कल ही मेरे साथ मगनपुर चलना होगा। उस रात तारामणि सराय वापस न जाकर मकराल के पास उसके घर में ही रुका। उस रात तारामणि तांत्रिक सोच रहा था, मुझे खुशी है कि मैं एक धूर्त व दुष्ट तांत्रिक को सही राह पर ला सका। इधर मकराल सोच रहा था, तारामणि, इस समय तो तूने हर प्रकार से मेरे हाथ काट दिए हैं, पर याद रख, मैं एक दिन तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा। सुबह होते ही कौशलपुर के लोग मकराल के पास आए। मकराल, तांत्रिक, कल एक प्रेत ने कई निरपराध लोगों को मार डाला, तुम ही हमें उस खूनी प्रेत से छुटकारा दिला सकते हो। मकराल, तांत्रिक, तुम जितना धन मांगोगे हम तुम्हें उतना ही धन देंगे, परंतु हमें उस प्रेत से छुटकारा दिलवा दो। उनकी बात सुनकर मकराल सोचने लगा, यदि तारामणि निशाचर प्रेत को जलाकर मुझ पर कब्जा न करता तो इस समय मैं कौशलपुर के लोगों से न जाने कितना धन कमा लेता। मकराल को सोच में पड़ा देख पास बैठे तारामणि ने धीरे से उससे कहा, मकराल, मैं जानता हूं इस समय तुम क्या सोच रहे हो। मकराल, तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम्हें वही इन डरे हुए लोगों से कहना है। कहकर तारामणि ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। तब मकराल ने उन लोगों से कहा, भाइयों, कल ही मुझे उस प्रेत के कारनामों का पता चल गया था, इसलिए रात में ही एक तांत्रिक अनुष्ठान करके मैंने उस उत्पाती प्रेत को जलाकर भस्म कर दिया था। इसलिए तुम लोग बेधड़क होकर अपने अपने घर जाओ, वह प्रेत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सुनकर कौशलपुर के लोगों के उतरे हुए चेहरे खिल उठे।
सेठ ही रामल ने स्वर्ण मुद्रा के 5 थैलियां मकराल के सामने रखते हुए कहा, मकराल तांत्रिक, उस प्रेत से छुटकारा दिलाकर तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। मेरी ओर से स्वर्ण मुद्राओं की ये 5 थैलियां स्वीकार करो। स्वर्ण मुद्राओं की 5 थैलियों को देखकर मकराल की आंखों में चमक दौड़ गई, लेकिन तारामणि के डर से उसने सेठ हीरामल से कहा, सेठ हीरामल, उस प्रेत का अंत मैंने धन के लालच से नहीं किया था, मैंने उसका अंत निस्वार्थ भाव से किया था। मैं इस कार्य के करने के बदले किसी से भी कुछ नहीं लूंगा। सेठ, इन थैलियों को उठा लो। तब मकराल को दुआएं देते हुए सब लोग उसके घर से वापस चले गए। तब तारामणि ने मकराल से कहा, मकराल, मुझे खुशी है कि तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। तांत्रिक तारामणि, अब तो मुझे जीवन भर वही करना है जैसा तुम मुझसे कहोगे। तो ठीक है मकराल, अब तुम मेरे साथ मगनपुर चलने को तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद ही मकराल तारामणि के साथ जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई गुरु तारामणि जैसा उस्ताद भी मिलेगा और मुझे अपना घर बार भी छोड़कर जाना पड़ेगा। चलते चलते दोनों कौशलपुर के राजमहल के बाहर से गुजरे। मकराल, राजमहल के द्वार पर शहनाई वादक शहनाई बजा रहे हैं, क्या राजमहल में कोई उत्सव है? मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, अभी पहरेदारों से पूछता हूँ। मकराल ने एक पहरेदार से पूछा, राजमहल के बाहर शहनाई क्यों बज रही है भाई? अरे भाई, शहनाई नहीं बजेगी तो और क्या बजेगा? कौशलपुर के राजा नंदन सेन की रानी तिलोत्तमा ने पुत्र को जन्म दिया है, यह तो बड़ी खुशी की बात है भाई। दोनों उसी समय महल में राजा नंदन सेन के पास पहुंचे। महाराज, यदि आप आदेश दे तो हम नन्हे युवराज को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अवश्य, हम अभी आप लोगों को युवराज के पालने के पास लिए चलते हैं। नंदन सेन उन दोनों को नवजात युवराज के पालने के पास ले गया। उधर मकराल ने कुछ सोचकर तारामणि से कहा, तारामणि जी, मैं आज इस राज्य को छोड़कर आपके साथ जा रहा हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो जाने से पहले नन्हे युवराज के दर्शन करके उसे आशीर्वाद देता चलूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ महल में चलकर नन्हे युवराज को आशीर्वाद दूंगा। तब मकराल ने तारामणि से कहा, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए पहले आप युवराज को आशीर्वाद दीजिए। तारामणि ने आगे बढ़कर पालने में लेटे शिशु को गोद में उठाया। नन्हे युवराज, आज से मेरा हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा, तुम अपने जीवन में जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यह आशीर्वाद दे तारामणि ने नन्हे युवराज को चूमा और उसे मकराल की गोद में दे दिया। नन्हे युवराज, तुम्हें तारामणि ने अपना आशीर्वाद तो दे दिया है जिससे तुम्हारी इच्छाएं भी जरूर पूरी होंगी, मगर तुम अपने जीवन में कभी भी अच्छी इच्छाएं नहीं कर सकोगे, साथ ही तुम्हारा स्वभाव भी बहुत क्रोधी होगा। युवराज को ऐसी दुष्टता भरा आशीर्वाद दे मकराल ने उसे पालने में लिटा दिया। तत्पश्चात, राजन, युवराज को हम लोग आशीर्वाद दे चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा नंदन सेन से विदा ले हुए दोनों महल से बाहर निकल आए। संध्या होते होते वे मगनपुर राज्य के शमशान घाट के पास पहुंचे। मकराल, आज अमावस्या की काली अंधेरी रात है, आज का दिन तंत्र मंत्र की सीधी पूजा करने के लिए अभीष्ट दिन होता है, इसलिए आज की रात हम इसी शमशान घाट में रुककर पूजा करेंगे। तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, जो आज्ञा गुरुदेव। तब वे दोनों शमशान घाट में प्रवेश कर गए। रात्रि होने पर एक जलती हुई चिता के समीप तारामणि ने पूजा शुरू की। मकराल, अब मैं सारी रात के लिए आंखें मूंद कर तंत्र मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हें जलती हुई चिता में बार बार लोबान छिड़कना होगा। ठीक है, मकराल को निर्देश दे तारामणि पूजा में लीन हो गया। तब बार बार चिता में लोबान छिड़कता मकराल सोचने लगा, मौका अच्छा है, अगर मैंने इस मौके का फायदा न उठाया तो मैं जीवन भर तारामणि की जी उजुरी करता रहूंगा, लेकिन तारामणि से छुटकारा पाने के लिए मुझे आखिर करना क्या चाहिए? तभी उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी देह त्याग जाऊं। पूजा की समाप्ति पर जब तारामणि मेरी निर्जीव देह देखेगा तो बोचका रह जाएगा। यह सोच उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलकर आकाश की ओर उड़ चली। आकाश में उड़ती हुई उसकी आत्मा सोचने लगी,
अब मुझे जल्दी से किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेना चाहिए, वरना पूजा की समाप्ति पर तारामणि तंत्र मंत्र के द्वारा मुझे वापस अपने पास बुला लेगा। अतः वह आत्मा आकाश में उड़ते उड़ते पास ही के राज्य नवरसपुर की ओर चल दी। जैसे उसने नवरसपुर राज्य में प्रवेश किया, अरे ये पहरेदार इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं, इनका पीछा करके इस बारे में मालूम करना चाहिए। यह सोच मकराल की आत्मा पहरेदारों के ऊपर उड़कर उनके साथ साथ चलने लगी। पहरेदार घर के बाहर जाकर रुके। कुछ देर बाद मकान का दरवाजा खुला। क्या है, कौन हो तुम? धन्नादाई, हम नवरसपुर के महल से आए हैं। महल में इस समय रानी विद्यावती को प्रसव पीड़ा हो रही है। महाराज कर्ण सिंह ने महारानी का प्रसव कराने के लिए तुम्हें शीघ्र ही महल में बुलवाया है। वो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ अभी महल चली चलती हूँ। वो धन्नादाई उसी समय पहरेदारों के साथ चल पड़ी। इधर आकाश में उड़ती हुई मकराल की आत्मा सोच रही थी, बन गया काम, रानी विद्यावती के संतान होने वाली है। मैं उसकी कोख में प्रवेश करके, उसके कोख में पलने वाले शिशु के अंदर प्रवेश करके उसके संतान के रूप में जन्म ले लूं, तब तारामणि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोच मकराल की आत्मा विद्युत गति से नवरसपुर के महल की ओर उड़ चली। इधर राजमहल के एक कक्ष में रानी विद्यावती प्रसव पीड़ा से बुरी तरह करा रही थी। तभी मकराल की आत्मा ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। आए, मकराल की आत्मा तेजी से उड़कर रानी विद्यावती के समीप आई और उसकी कोख में प्रवेश कर गई। इसके कुछ देर बाद ही धनादाई ने उस कक्ष में प्रवेश किया। रानी जी घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। कक्ष के बाहर राजा कर्ण सिंह उतावले से घूम रहे थे। भगवान रानी विद्यावती को कुछ न हो, उसे सकुशल रखना। और कुछ ही देर बाद ऊआ ऊआ अगले पल धन्नादाई द्वार खोलकर कक्ष से बाहर आई। बधाई हो महाराज, रानी जी ने बेटी को जन्म दिया है। अच्छा, खुश होकर कर्ण सिंह ने अपने गले में पड़ी माला उतारकर धन्नादाई को दे दी। तत्पश्चात वह रानी विद्यावती के पास पूछा, रानी हमारी पुत्री तो चंद्रमा के समान श्वेत है, क्यों न इसका नाम हम चंद्रिका रख दे। महाराज, नाम तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, हम अपनी पुत्री का यही नाम रखेंगे। इधर मगनपुर राज्य के शमशान घाट में पूजा में लीन तारामणि ने सोचा, बहुत देर से चिता के धुएं में से लोबान की खुशबू नहीं आ रही है, क्या मकराल मेरे निर्देश के अनुसार चिता की आग में लोबान नहीं छिड़क रहा है। मुझे आंखें खोलकर देखना चाहिए कि आखिर मकराल कर क्या रहा है। यह सोच जैसे उसने आंख खोल कर देखा, हाँ यह क्या, मकराल तो मरा पड़ा है। यह मर कैसे गया, पूजा प्रारंभ करने से पहले तो मैंने इसे अच्छा भला छोड़ा था, फिर अचानक इसे क्या हुआ। हैरत में डूबे तारामणि ने थैले में से जादुई गोला निकाला। जादुई गोले जल्दी से बता कि मकराल कैसे मरा। तारामणि का यह कहते जादुई गोले में से गुड़ गु की आवाज विचित्र आवाजें आने लगी। तत्पश्चात, मेरे मालिक तांत्रिक मकराल मरा कहाँ है, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी आत्मा ने स्वयं मकराल का चोला छोड़ा है। अब मकराल की आत्मा ने नवरसपुर की रानी विद्यावती की नवजात पुत्री चंद्रिका के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ओह, यह तो मकराल ने बहुत बड़ी चाल खेली। तांत्रिक विद्या के नियमों के अनुसार कोई भी तांत्रिक किसी कन्या या नारी पर अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। कन्या के शरीर में प्रवेश करके वास्तव में ही मकराल मेरे चंगुल से निकल भागा है। यह सोच वह क्रोध में भर उठा। अपना क्रोध उसने मकराल के शव पर उतारा। मकराल, तू क्या समझता है, तेरे ऐसा करने से मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं जरूर कोई न कोई ऐसी राह निकालूंगा जिससे तू पुनः मेरे कब्जे में आ फंसेगा। अगले पल उसने मकराल के शव को हाथों पर उठाया और जलती चिता में फेंक दिया। ले मकराल, तेरे पार्थिव शरीर को मैं चिता के हवाले कर रहा हूं, अब तू चाहकर भी अपने पुराने चोले में न आ सकेगा। जल्दी ही मकराल का शव चट चट करके जलने लगा। इधर नवरसपुर के महल में, हाँ मेरा शरीर ज्वाला में फूका जा रहा है, लगता है मगनपुर के शमशान घाट में तांत्रिक तारामणि ने मेरे निर्जीव शरीर को चिता के हवाले कर दिया है, अब तो मुझे अपना बाकी जीवन चंद्रिका के रूप में ही गुजारना पड़ेगा।
इधर तारामणि के तांत्रिक अनुष्ठान में बाधा पड़ चुकी थी, इसलिए वह खिन्न मन से उसी समय मगनपुर की ओर चल दिया। वक्त अपनी कभी न रुकने वाली रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कौशलपुर राजा का युवराज चंदन सेन बड़ा होने लगा। मकराल के दिए साप के कारण उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। क्रोध आने पर वह जिसका भी बुरा सोचता उसका बुरा होकर ही रहता। नमक हराम, तूने मेरी ओर नजर उठाकर क्यों देखा? जा तू गधा बन जा। आ सड़ाक। अगले पल वह सेवक गधा बन गया। हा हा, सेवक गधा बन गया। राजमहल के सारे सेवक चंदन सेन के नाम से ही भय खाते थे। राजा नंदन सेन ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सबसे बुद्धिमान और कुशल शिक्षकों को नियुक्त कर रखा था। एक दिन चंदन सेन ने सोचा, सारे शिक्षक बारी बारी से आकर मुझ पर हुक्म चलाते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। बस चंदन सेन ने उसी दिन अपने पांचों शिक्षकों से कहा, कल से आप लोग महल में नहीं घुस सकेंगे। सचमुच अगले दिन से कोई भी शिक्षक महल में नहीं घुस सका। शिक्षक जिधर से भी महल में घुसने की कोशिश करते उधर ही अचानक दीवार खड़ी हो जाती, वो इधर भी दीवार खड़ी हो गई। महल के नौकरों से ने परेशान शिक्षकों की मदद करनी चाहिए, आप लोग इन रस्सियों को पकड़कर महल के अंदर आ जाइए। शिक्षक रस्सियों को पकड़कर दीवार पर चढ़ने लगे। यह देखकर महल में खड़े चंदन सेन के क्रोध का पारावार न रहा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग शिक्षकों को ऊपर चढ़ाकर मेरे कहे शब्दों को झुठलाने का प्रयत्न कर रहे हो। जाओ, तुम और शिक्षक जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रह जाओ। तुम लोग पत्थर के हो जाओ। अगले पल वैसा ही हुआ जैसा चंदन सेन ने कहा था। पांचों सेवक और पांचों शिक्षक पत्थर के बन गए। राजा नंदन सेन को जब यह समाचार मिला तो वह दुखी हो उठा। युवराज चंदन सेन की शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। वह जो भी बुरी बात मुंह से निकालता है वही सच हो जाती है, पर वह हमेशा बुरी ही बात क्यों सोचता है? उसने उसी समय चंदन सेन को अपने पास बुलवाया। युवराज, तुम हमेशा किसी का बुरा ही क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे मन में अच्छे विचार नहीं आते? क्षमा करे पिताजी महाराज, मैं जो चाहता हूँ अक्सर उल्टा सोचने लगता हूँ और पता नहीं क्यों बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। वैसे भी अनचाहे ही मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है। चंदन सेन की बात सुनकर नंदन सेन और दुखी हो उठे। इधर एक दिन एक मुसाफिर मगनपुर में तांत्रिक तारामणि के घर के बाहर विश्राम करने के लिए रुका तो तारामणि ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? तुम कहाँ के निवासी हो और कहाँ जा रहे हो? सुनकर उस मुसाफिर ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, मेरा नाम जयदेव है, मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ और कौशलपुर राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर अनजाने नगर की ओर जा रहा हूँ। जहाँ भी आसरा मिल जाएगा वहीं अपना बसेरा कर लूँगा। मुसाफिर जयदेव की बात सुनकर तारामणि चौंका, तुम कौशलपुर के रहने वाले हो, तुम हमेशा के लिए कौशलपुर क्यों छोड़ाए? क्या मुझे इस विषय में कुछ बताओगे? बाबा, कौशलपुर राज्य के युवराज चंदन सेन के राक्षसी स्वभाव से कौशलपुर के सब लोग दुखी व परेशान हैं। वह हमेशा दूसरों के लिए बुरी व शुभ बातें ही मुंह से निकालता है जो तुरंत ही सच हो जाती है। 5 दिन पहले कौशलपुर में मेरे घर के बाहर से युवराज चंदन सेन का रथ गुजरा। उस समय मेरी 10 वर्ष की इकलौती बेटी सड़क पार करने लगी। उसके साथ मेरी पत्नी राधा भी थी। युवराज चंदन सेन को यह नागवार गुजरा। उसने क्रोध में भरकर चिल्लाते हुए मेरी पत्नी और पुत्री से कहा, तुम दोनों की यह जरूरत कि तुम मेरे रथ के आगे से होकर गुजरो। जाओ, इसी समय इसी स्थान पर जलकर मर जाओ। तो क्या तुम्हारी पत्नी और पुत्री उसी समय जल गई जयदेव? हाँ बाबा, युवराज चंदन सेन के कारण मेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया। और जब परिवार ही न रहा तो मैं भला कौशलपुर में रहकर क्या करता? वहां रहता तो हमेशा पत्नी और पुत्री की याद सताती। युवराज चंदन सेन का स्वभाव इतना क्रूर कैसे हो गया? उसके मुंह से निकली असंभव बातें भी संभव कैसे हो जाती हैं? बाबा, वही कौशलपुर में मैंने सुना था कि युवराज चंदन सेन के जन्म वाले दिन दो तांत्रिक उसे आशीर्वाद देने महल में आए थे, तो क्या हुआ? राजा नंदन सेन का मानना है कि शायद वही दो तांत्रिक उस समय युवराज चंदन सेन को कोई साप दे गए थे, जिसके फलस्वरूप भी
युवराज चंदन सेन का ऐसा स्वभाव हुआ है और उसी के फल स्वरूप उसके मुंह से निकली बुरी बातें तुरंत सच हो जाती हैं। महाराज नंदन सेन के गुप्तचर बड़ी सरगर्मी से उन दोनों तांत्रिकों को तलाश करते फिर रहे हैं। जहां भी वे दोनों तांत्रिक उन्हें मिलेंगे, वे तुरंत ही उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। ओ मुसाफिर जयदेव तो वहां से चला गया, पर तारामणि को सोच में डाल गया। मैं तो युवराज चंदन सेन को यह आशीर्वाद दे कर रहा था कि वह अपने जीवन में जो भी इच्छा करेगा वह पूरी होगी, लेकिन मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दिया था कि वह अपने जीवन में हमेशा बुरी ही इच्छाएं करे, भली इच्छा कभी न करे। उसने तुरंत ही जादुई गोला निकाला। जादुई गोले जल्दी बता, कौशलपुर राजा के युवराज चंदन सेन को किसने ऐसा शाप दिया है जिसके प्रभाव से वह लोगों का अनिष्ट कर रहा है। तुरंत ही जादुई गोले से विचित्र आवाजें आने लगी। फिर जादुई गोले से एक स्पष्ट आवाज आई, मालिक युवराज चंदन सेन के जन्म पर जब आपने उसे आशीर्वाद दिया था तो तांत्रिक मकराल ने युवराज चंदन सेन को यह शाप दिया था कि उसकी इच्छाएं तो पूरी होंगी लेकिन वह कभी भी अच्छी इच्छाएं नहीं करेगा। अतः उसी के शाप के कारण युवराज चंदन सेन का स्वभाव ऐसा हो गया है। ओ तो यह सब मकराल का किया धरा है, वह सोच में पड़ गया। जैसे भी हो, मुझे युवराज चंदन सेन को मकराल के शाप से मुक्ति दिलानी चाहिए। वह उसी दिन कौशलपुर की ओर चल पड़ा। राह में एक नदी पड़ी। अरे यह क्या, नदी में कोई किशोर बहा चला जा रहा है। उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। अगले पल नदी में बहता किशोर सवय ही नदी के तट की ओर आने लगा। शीघ्र ही वह तट पर आ लगा। वो यह तो मर चुका है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, राजा नंदनसेन के गुप्तचर मेरी और मकराल की तलाश कर रहे हैं। अगर मैं अपने असली रूप में कौशलपुर जाऊंगा तो गुप्तचरों की निगाह में आ जाऊंगा और तब वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः क्यों न मैं इस किशोर के शरीर में प्रवेश कर जाऊं और किशोर के रूप में ही कौशलपुर जाऊं, तब मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। यह सोच तारामणि ने अपनी देह त्याग की और मृत किशोर के शव में प्रवेश कर गया। किशोर तत्काल ही जीवित हो गया। अब मुझे अपनी देह किसी झाड़ी के पीछे छिपा देनी चाहिए। कौशलपुर से वापस लौटता हुआ मैं यहाँ आकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। यह सोच किशोर ने तारामणि के निर्जीव शरीर को झाड़ियों में ले जाकर डाल दिया और सवे थैला उठाकर कौशलपुर की ओर चल दिया। कौशलपुर पहुंचकर वह राजा नंदन सेन से मिला। महाराज, मैं थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता हूँ। उसी तंत्र विद्या के द्वारा मैं युवराज चंदन सेन के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता हूँ। सुनकर नंदन सेन ने निराशा से उसकी ओर देखा। बालक युवराज चंदन सेन के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिसने जो कहा हमने वही किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा असफलता ही लगी, हमारे हाथ हमेशा असफलता ही लगी। तुम भी कोशिश करके देख सकते हो। महाराज, मैं अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग युवराज चंदन सेन के ऊपर एकांत व बंद कमरे में करूँगा। कुछ देर बाद युवराज चंदन सेन तारामणि के सामने बंद कमरे में बैठा था। युवराज, कृपा करके अपनी आँखें बंद कर लो, अब मैं अपनी तांत्रिक पूजा शुरू करूँगा। लेकिन युवराज, भूल कर भी बीच में अपनी आँखें खोल कर नहीं देखना, वरना अंधे हो जाओगे। ठीक है। चंदन सेन को यह निर्देश दे तारामणि ने खाली हवन कुंड में लोबान डाला और उसमें आग लगा दी। फिर वह तांत्रिक कार्यवाही करने लगा। शीघ्र ही लोबान का धुआं कक्ष में फैलने लगा। वह बहुत देर तक मन ही मन मंत्र बुदबुदाता रहा। तत्पश्चात, मकराल के साप जा, युवराज चंदन सेन का पीछा छोड़ दे। अगले पल साए आ साए काली छाया सिगरी वायुमंडल में विलीन हो गई। तभी चंदन सेन पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा। तारामणि ने आंखें खोली। पानी के छींटे देख कर वह बेहोश पड़े चंदन सेन को होश मिलाया। युवराज, अब बुरी इच्छाएं तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी हैं, सच? हाँ, तुम चाहकर भी अब मन में कोई बुरा विचार न ला सकोगे। अच्छा, चंदन सेन ने तुरंत ही मन में एक बुरी इच्छा करने की कोशिश की, पर मैं चाहता हूँ इसी समय एक फूलों का हार मुझे ठीक करने वाले इस किशोर के गले में आकर पड़ जाए। अगले ही पल, अरे यह तो मैं सचमुच ही अच्छी इच्छा करने लगा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। चंदन सेन खुशी से झूम उठा। इधर नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका अपनी सखियों के साथ भ्रमण करती हुई
उस झाड़ी के पास से गुजरी जिस झाड़ी में तारामणि का निर्जीव शरीर पड़ा था। तभी चंद्रिका की नज़र झाड़ी की ओर पड़ी। लगता झाड़ी में कोई शव पड़ा हुआ है। हाँ राजकुमारी जी, लगता तो ऐसा ही है। चंद्रिका ने आगे बढ़कर झाड़ी में झांक कर देखा तो वह बुरी तरह चौंक पड़ी। ओ, यह तो तांत्रिक तारामणि का शव है। लगता तारामणि किसी अन्य शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को यहाँ छिपा कर कहीं चला गया है। तभी उसे कुछ ध्यान आया। इसी तारामणि की वजह से मुझे अपना शरीर त्याग कर चंद्रिका के रूप में जन्म लेना पड़ा है और इसी तारामणि ने मेरे पार्थिव शरीर को चिता में फेंक कर जला दिया है। क्यों न आज मैं भी तारामणि के शव को जला दूं? ऐसा करने पर तारामणि कभी भी अपने असली रूप में न आ सकेगा। यह सोच उसने रथ के सारथी को बुलाकर उसे आदेश दिया। सारथी, न जाने यह कौन अभागा मनुष्य मरा पड़ा है। तुम शीघ्र ही इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो ताकि शव को मोक्ष प्राप्त हो सके। जो आज्ञा राजकुमारी जी। सारथी ने इधर उधर से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर एक चिता बनाई और उस पर तारामणि का शव रखकर चिता को आग लगा दी। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। थोड़ी देर बाद चिता दू दू करके जल उठी। इधर चंदन सेन के सामने बैठे किशोर के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। हाँ, लगता किसी ने झाड़ी के पीछे पड़े मेरे शव को आग की भेंट कर दिया है। बड़ी देर तक उसका शरीर कसमसाता रहा। उधर तारामणि का शव चिता में जल रहा था। जब चिता जलकर राख हो गई तो चंद्रिका अपने सखियों के साथ वहां से वापस लौट आई। इधर किशोर सोच रहा था, मेरा असली शरीर चिता में जलकर राख हो चुका है, इसलिए अब मुझे इस किशोर के रूप में ही जीवन गुजारना होगा। लेकिन जरा जादुई गोले से यह तो पता कर लूं कि मेरे शरीर को आग किसने लगाई है। उसने तुरंत ही चंदन सेन से कहा, युवराज आप कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर चले जाए, मैं एकांत में थोड़ी पूजा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कक्ष से बाहर चला जाता हूँ, कहकर चंदन सेन कक्ष से बाहर चला गया। तब किशोर ने जादुई गोले से पूछा, जादुई गोले जल्दी बता, मेरे शरीर को आग किसने लगाई। जादुई गोले से तत्काल ही विचित्र आवाजें निकली। तत्पश्चात, मालिक, तुम्हारे शव को नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका ने अपने सारथी से आग लगवाई थी। वो तो चंद्रिका के रूप में यह मकराल की करतूत थी। उसने तुरंत जादुई गोले और अपने अन्य सामान को थैले में रखा और थैले को कंधे पर लटका कक्ष से बाहर निकल आया। आओ तुम्हें पिताजी महाराज के पास ले चलूं। चंदन सेन के साथ किशोर राजा नंदन सेन के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, इसने मेरी बुरी इच्छाओं को मेरे शरीर से निकाल दिया है। अब मैं जो भी सोचता हूँ अच्छी बात ही सोचता हूँ, सच? हाँ पिताजी महाराज। ठीक है, तब तुम अपने पांचों शिक्षकों और पांचों सेवकों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने की इच्छा करके दिखाओ। यदि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो गई तो हम तुम्हारे कथन पर विश्वास कर लेंगे। नंदन सेन की बात सुनकर चंदन सेन बोला, मेरी इच्छा है कि मेरे पांचों शिक्षक और पांचों सेवक अपने पहले वाली सजीव स्थिति में आ जाए। कुछ देर बाद ही पांचों शिक्षक व पांचों सेवकों ने कक्ष में प्रवेश किया। अरे, ये तो सचमुच ही अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। इसका मतलब है युवराज चंदन सेन को इस किशोर बालक ने ठीक कर दिया है। नंदन सेन ने खुश होकर किशोर से कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र के व्यवहार को ठीक करके बेटा तुमने मेरे पुत्र के व्यवहार को ठीक करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब तुम मुझे अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम तारामणि है। मैं संसार में अकेला हूँ, इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तारामणि, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज से तुम महल में युवराज के साथ ही रहोगे। महाराज, आपका आदेश मेरे सिर माथे पर। अब किशोर बना तारामणि युवराज चंदन सेन का मित्र बनकर राजमहल में रहकर जीवन गुजारने लगा। युवराज, चाल बचाओ। तारामणि, तुम तो बहुत कुशलता से चौपड़ खेल लेते हो। धीरे धीरे 10 वर्ष का समय बीत गया। तारामणि और चंदन सेन अब युवा हो गए थे। चलो तारामणि, आज आखेट करने वन में चलते हैं। युवराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप अकेले ही आखेट करने चले जाइए। तब चंदन सेन अकेला ही आखेट करने चल दिया। वन में उसकी भेंट राजकुमारी चंद्रिका से हुई। तुम कौन हो सुंदरी? मैं नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका हूँ। आपका परिचय? मैं कौशलपुर का युवराज चंदन सेन हूँ।
तुम कौशलपुर के युवराज चंदन सेन हो। चंद्रिका हैरत से उसकी ओर देखने लगी और इस प्रकार अपनी ओर देखते पाकर चंदन सेन बौखला उठा। राजकुमारी चंद्रिका, तुम इस प्रकार हैरत से मेरी ओर क्यों देख रही हो? युवराज, मैंने सुना था कि आप बहुत ही क्रोधी व दुष्ट व्यक्ति हैं। आपके मुख से हमेशा बुरी बातें ही निकलती हैं, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आप अत्यंत ही शालीन व्यक्ति हैं। वो तो यह बात है राजकुमारी, मेरे उस स्वभाव को बदले हुए तो बहुत वर्ष बीत गए हैं। अब तो मैं बुरी इच्छाओं के बदले अच्छी इच्छा ही करता हूँ क्या? लेकिन यह हुआ कैसे? राजकुमारी, 10 वर्ष पहले तारामणि नाम के किशोर ने मेरा कायाकल्प किया था। सुनकर चंद्रिका चौंकी। तो 10 वर्ष पहले तारामणि ने अपनी देह त्याग कर किसी किशोर की देह में प्रवेश किया था? फिर चंद्रिका ने चंदन सेन से पूछा, युवराज, अब वह तारामणि कहाँ है? वह तो अब महल में हमारे साथ ही रहता है। तारामणि ने इस बार भी मुझे मात दे दी। मेरे सांप को तंत्र मंत्र द्वारा निष्क्रिय करके उसने एक बार फिर मुझे नीचा दिखाया है। मैं उससे इस बात का बदला लेकर रहूंगी। यह सोच उसने चंदन सेन का हाथ पकड़कर उससे कहा, युवराज, आपकी शालीनता से प्रभावित होकर मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ विवाह करके खुशी होगी राजकुमारी। युवराज, पास में एक मंदिर है, आओ वहाँ चलकर हम इसी समय गंधर्व विवाह किए लेते हैं। चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रिका के रूप जाल में फंसा चंदन सेन उसके पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर, भगवान, आज से मैं चंद्रिका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। भगवान, आज से मैं युवराज चंदन सेन को पति के रूप में वरण करती हूँ। तत्पश्चात वे दोनों मंदिर से बाहर निकले। नाथ, आओ सबसे पहले नवरसपुर चलकर मेरे माता पिता से आशीर्वाद ले लो। चलो चंद्रिका। दोनों रथ में बैठकर नवरसपुर की ओर चल दिए और राजा करण सिंह के पास पहुँचे। पिताजी, महाराज, ये कौशलपुर के युवराज चंदन सेन है। हम दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया है, हमें आशीर्वाद दीजिए। करण सिंह ने प्रसन्नता से उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात, मेरे बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ पल बाद राजा करण सिंह ने चंदन सेन से कहा, युवराज, अब तुम हमारे दामाद हो। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे पास रहो। तत्पश्चात हम राजकुमारी चंद्रिका को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। इधर जब संध्या होने पर भी चंदन सेन कौशलपुर वापस नहीं लौटा। बेटा, तारामणि चंदन सेन अभी तक आखेट खेल कर वन से वापस नहीं लौटा है। कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गया है? मैं अभी जादुई गोले से युवराज के विषय में पूछता हूँ महाराज। जादुई गोले ने उसे बताया, मालिक, युवराज चंदन सेन वन में नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ गंधर्व विवाह करके नवरसपुर चले गए हैं। वे वहाँ से 5 दिन पश्चात चंद्रिका के साथ कौशलपुर वापस लौटेंगे। सुनकर तारामणि हतबरब रह गया। तो मकराल ने चंद्रिका के रूप में एक बार फिर चंदन सेन को अपने जाल में फंसा लिया है। उसने नंदन सेन को बताया, महाराज, युवराज सकुशल नवरसपुर में हैं। नवरसपुर में? लेकिन युवराज नवरसपुर में क्या कर रहा है? महाराज, नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ युवराज गंधर्व विवाह कर चुके हैं और अब चंद्रिका के साथ नवरसपुर में हैं। वे वहां से 5 दिन पश्चात वापस लौटेंगे। वो तब तो घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात है महाराज, चंद्रिका के रूप में यह वही तांत्रिक है जिसने 20 वर्ष पहले युवराज को बुरी इच्छाओं का साप दिया था। अपना साप असफल होते देखकर उसने पुनः युवराज को अपने जाल में फंसा लिया है। क्या, अब क्या होगा? युवराज, महाराज घबराइए नहीं, मैं इस बार भी उस तांत्रिक को अपनी चाल में सफल नहीं होने दूंगा। महाराज, वह बुराई के पथ पर है और मैं भलाई के पथ पर हूँ, और भलाई हमेशा से बुराई पर विजय प्राप्त करती आई है। इस बार भी ऐसा ही होगा महाराज। तारामणि, बेटा, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। इधर 5 दिन पश्चात राजा चंदन सेन राजा कर्ण सिंह व रानी विद्यावती से विदा लेकर चंद्रिका को साथ ले कौशलपुर की ओर चल पड़ा। नवरसपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक काल भैरव से मैंने अभिमंत्रित की हुई बबूत ले ली है। कौशलपुर में जैसे ही तारामणि मेरे सामने आएगा, मैं उस पर बबूत फेंक कर उसे भस्म कर दूंगी।
और कौशलपुर पहुंचकर जैसे ही उसने चंदन सेन के साथ कौशलपुर के महल में प्रवेश किया, आ गए बहरूपिया मकराल। अपना पुराना नाम सुनकर चंद्रिका ने चौंक कर चारों ओर देखा, कौन हो तुम? मैं वही हूँ मकराल, जिसको मारने के लिए तुम नवरसपुर के तांत्रिक काल भैरव के द्वारा अभिमंत्रित की हुई बभूत लेकर यहाँ आई हो। तुम तारामणि हो, लेकिन छुप कर क्यों बोल रहे हो? हिम्मत हो तो सामने आओ। चंद्रिका, यह क्या चक्कर है? यह मकराल कौन है? तब पर्दे के पीछे छिपा तारामणि उसके सामने आया। मकराल, राजकुमार चंदन सेन को दिए मेरे वरदान को तुमने साप में बदल दिया था। तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब तुम अभिमंत्रित की हुई बबूत से मुझे मारना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम स्त्री के रूप में हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तू भला मुझे क्या मारेगा? मेरे पास तेरे काल रूपी बबूत है। तभी तारामणि ने हाथ में पकड़ा जादुई गोला चंद्रिका की ओर उछाल दिया। अरे तारामणि, तुमने यह क्या किया? चंद्रिका शीघ्र ही जलकर भस्म हो गई। तब तारामणि ने चंदन सेन से कहा, युवराज, यह मेरा मकराल से आखिरी मुकाबला था। इस मुकाबले में भलाई की जीत हुई है। तारामणि, तुमने जो कुछ किया गलत किया है, तुमने हमारी पत्नी को मार दिया है। तब तारामणि ने चंदन सेन को चंद्रिका की सच्चाई से अवगत कराया। सारी बात जानकर चंदन सेन का क्रोध दूर हो गया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।